हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के ऊपर। और आज हम दोस्तों ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन चेन होती क्या है और इसे जो है हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं अपना निफ्टी के अंदर। और ये दरअसल जो टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। और आप देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। और आज पूरा प्योरली जो आज हम बात करेंगे वो सारा जो रहेगा वो एक ऑप्शन चेन के ऊपर ही रहेगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉल को जो है कैसे ले सकते हैं, मतलब कॉल अगर आपको लेनी चाहिए, अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आपको कॉल कौन सी लेनी चाहिए, या शुरुआती दौर में आपको CE कैसे बाय करनी चाहिए। और जो रहेगा आज की वीडियो में बस हम CE के बारे में ही बात करेंगे आपको। तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले एक उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। ये दोस्तों सेंसिबल की ऑप्शन चेन है, आप इसे देख सकते हैं सेंसिबल की। और ये कहाँ से ओपन होगी, आप ये सेंसिबल लिखेंगे वहाँ से, ये ऑप्शन सेंसिबल ऑप्शन चेन लिखेंगे और उसके बाद आपको ये चेन जो है मिल जाएगी। बट एक NSE के थ्रू जो ऑप्शन चेन मिलती है, ये देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन यहाँ पर आ गई है। ये भी निफ्टी की ऑप्शन चेन है बट यहाँ पर इतनी क्लैरिटी जो है नहीं आ पाती कुछ को, कुछ जो है इतनी क्लैरिटी से देख नहीं पाते कुछ। यहाँ पर देखिए कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं आती इसके अंदर। ये OTM हो जाएगा, ये इन द मनी, ये डीप इन द मनी हो जाएगा, सॉरी डीप इन द मनी हो जाएगा। और आप देखिए, आप देखेंगे कि सेंसिबल के अंदर ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे जो है कॉल को बाय कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि मार्केट जो है यहाँ पर है, मार्केट जो है यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये 18,220 के लेवल पर आकर यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। और इस लेवल के आसपास हमने अगर कॉल बाय करनी है, CE बाय करेंगे तो हम बाय कहाँ की करेंगे, 18,300 की, 18 ये आगे आ गया इसके, 18,50, 18,400, 18,450। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आ तो रहा है ये 18,400, 18 ये बीच का 18,400, 18,350, 18,300 ये लेवल जो है आ गए हैं। 50-50 पॉइंटों के गैप के साथ आप यहाँ पर इसको, ये देखिए 18,300, 250, 300, 400, 450, 500 ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपने जब बाय करते हैं तो कॉल बाय करते हैं, और अगर इसका एक मिनट अगर हम रेट भी चेक करें, ये जो स्ट्राइक प्राइस है आप देख पा रहे हैं इसको, सॉरी ये जो स्ट्राइक प्राइस आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्राइक प्राइस होगा, ये स्ट्राइक प्राइस का अलग प्राइस चल रहा होगा, ये 18,200 का, 18,000 का, 18,600 का, इन सब का 1,700 इनका। ये कॉल वाला सीन है, यहाँ पर आप कॉल देख सकते हैं और ये पुट देख, और ये देख सकते हैं इसका इंडिया वीक्स जो आप सभी को, और एक्सपायरी आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी कि वीकली और मंथली एक्सपायरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन एक्सपायरी देनी है। चलिए चलते हैं अब हम ज़ीरोधा के पर, और ज़ीरोधा पर देखते हैं जाकर। तो ये देखिए दोस्तों निफ्टी के अभी चार्ट में हम आ गए हैं, निफ्टी के जैसे ही हम इस चार्ट पर आए और यहाँ से हमें पता लगा कि 18,220 के आसपास हमारी जो है मार्केट आने वाली है, तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले 18,200 इसकी जो है CE को देखेंगे, ये ऐड हो गया 18,200। अब हम 18,300 का ऐड कर लेंगे, 18,300 की CE ये ऐड हो गई है। अब हम 18,400 की ऐड करेंगे, 18,400 CE। देखिए दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ से उठाया, ये यहाँ से 18,300, 200 ये देखिए 300 का, और यहाँ पर 18,200 का, 18,400 का, ये हमने एक 00 वाली जो है कॉल उठाई है यहाँ पर, इसी हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से बाय करने पर इसका जो है कितना प्रॉफिट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आए
और ऑप्शन चेन में देखें कि 18,300 के काल का अगर रेट करें और उसके बाद जैसे ही आप देखें कि 18,400 ये इसके अंदर ज़्यादा व्यक्ति बैठे हुए हैं और 18,600 इसके अंदर थोड़े कम हैं, 18,200 इसके अंदर ये बिल्कुल डीप इन द मनी हो गया। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी के अंदर इस चार्ट को देखें तो ये सीई है दोस्तों, सीई का चार्ट देखते हैं अभी, ये हमें मिल रहा है 192 के आसपास। ठीक है दोस्तों, 192 ये कहाँ से गया, अब आप ये देखिए, ये गया दोस्तों 150 रुपये के आसपास से, मतलब ये तब था 150 रुपये के आसपास, और ये भी मतलब 50 एक पॉइंट जो कम होगा ये भी इतना पॉइंट कम होगा। और यहाँ से अगर इसका एक बार रेट मैं आपको पर दिखा देता हूँ तो ये हमें 55 रुपये के आसपास मिल रहा था, रेट था 55 रुपये। तो अब आप समझिए दोस्तों कि अगर हमने यहाँ से बाय करते, इसको यहाँ से इसको बाय कर दे, तो बाय करने के बाद क्या होता, तो हम क्या कर दे, इसका 25 सॉरी 50 का लॉट है और हम यहाँ पर 50 और ये 55, तो हमारा यहाँ पर इसके एक लॉट ही मिलता हमें दो, इस साथ साथ जो हमारा 55 के रेट पर जो हम रेट इसको देते, मतलब हम हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती थी 2,750 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक लॉट ओनली, वन लॉट 2,750 की। और बाय कैसे करते, मान लीजिए 55 पे हमने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पर ये हमें अभी इतना रेट दिखा रहा है, तो यहाँ पर लिमिट में अगर इसका रेट उस टाइम समय पर 55 चल रहा होता, 55, तो हमें सिर्फ 2,750 रुपये ही दोस्तों देने पड़ते यहाँ पर, और उसके बाद बाय। और आप पोजीशन में जाकर देख सकते हैं अपने पोजीशन को ये कैसे वर्क कर रही है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने 55 रुपये 2,750 की अमाउंट जो है दे दिया इसको, और उसके बाद ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद हमने जो 55 रुपये पर ख़रीदा था वो 68 का हो गया, कौन सा, 18,400 का, यहाँ का, ये यहाँ का, यहाँ का लेवल। ठीक है दोस्तों, हालांकि कम मूवमेंट आई है, हालांकि इतनी मूवमेंट जो है बची है अभी इसके लिए, तो ये सिर्फ 2,750 रुपये। और अभी हमें जो है 68 रुपये के आसपास हमें ये पड़ा, तो अभी इसका कॉस्ट जो है चल रहा है, तो ये चल रहा है दोस्तों 50, 68 के हिसाब से, तो हमें यहाँ पर 3,400 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। और इसमें से अगर आप अपनी लागत निकाल देंगे भी, जितना आपने ये अमाउंट लगाया है यहाँ पर, इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो 3,400, और माइनस करेंगे इसको के अंदर से 2,750 के आसपास से हम इसको माइनस कर देंगे, और 50 से माइनस करने के बाद ये माइनस 2,750, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा, जो आपके यहाँ पर प्रॉफिट वाले सेक्शन में दिखेगा, वो आपको 65 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखेगा दोस्तों, ये अगर आप इतनी दूर की कार लें। ठीक है दोस्तों, 65 रुपीज़ का ये नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। ये क्या था, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं, मैं इसको इसको रफ कर रहा हूँ बस, पल ए इसको रफ। बाद आप यहाँ पर देखिए, आपने इसके अंदर 65 रुपीज़ बनाए, और यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद एक बार फिर से अब हम चलते हैं कौन से, 18,300 की काल के ऊपर। यहाँ पर अब हम दोस्तों देखेंगे 18,300 की जो काल है ये सीई, 18,300 की काल इसका रेट क्या चल रहा था और इसके हमें जो लागत आई वो कितनी। तो 18,300 की ये रही हमारे पास, तो यहाँ पर देखा और ये मिली 93 के आसपास, और इसे 140 हाई लगाया। ये देखिए 50 2 कर देंगे इसको, और ये 93 के आस 90 93 के आसपास हमें इसे मान लेते हैं, तो 50 90 हो जाएगा आपका, ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी थोड़ी ज़्यादा इससे इन्वेस्टमेंट बैठेगी 650।
4650 रुपये के आसपास आपका पे बैठेगा वो रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो, और ये इसने हाई लगाया 140 का, तो 50 के बाद इसका जो हाई लगाने के लिए, अगर आपके पास स्ट्रेटजी है और आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वर्क कर रहे हैं तो आप भी इतना कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इसने हाई लगाया 140 का, तो इसे नेट जो प्रॉफिट टोटल अमाउंट जो निकल कर आया वो आया 7000 रुपये। अब वही सेम काम के 7000 माइनस कर देंगे इस रकम से, इस रकम से ऑटोमेटिकली अपने आप ही माइनस हो गए। ये जो 93 के रेट का आपको आपने मान लिया था ये 140 हो जाएगा, और ये माइनस कर देंगे इसमें यहाँ से आपकी लागत। और इसमें से लागत माइनस करने के बाद जो आपके पास रकम बचेगी दोस्तों वो बचेगी 2350 रुपये के आसपास की दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, बट यहाँ पर टाइम डी के भी अगर आप ये देख लेते हैं कि आसपास थोड़ा समय गिर जाएगा तो के साथ साथ भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2350 रुपये का प्रॉफिट। अब अगर आप देखें एक बात कि हमने 18300 का लिया था और फिर इसमें 650 प्रॉफिट हुआ था और इसके अंदर 2350 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर 650 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर 2350 का प्रॉफिट हुआ। ये इतनी लंबी मूव में और ये इतनी मूव में 650 का, क्योंकि ये दूर का था और ये पास का है। अब आ जाते हैं 18200 के, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इसके एकदम पास में आ जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, कर देने के बाद आप अगर देखें तो अब हम बाय करते हैं 18200 का। अब CE 18200 का, ठीक है दोस्तों। ये OTM और ये ITM और ये डीप इन द मनी, ITM डीप इन द मनी, ये दोस्तों डीप इन द मनी, क्योंकि 18200 पे तो अभी खड़ा ही है ना। तो यहाँ से अभी आ गया, ये आप आपको दिखाते हैं। तो अभी हम 18200 की स्ट्राइक प्राइस लेते हैं और 18200 की हम हमारे पास ये आ चुकी है यहाँ पर। और ये इसका रेट हमें मिल रहा है दोस्तों 150 के आसपास, हमें इसका रेट मिल रहा है 150 के पास इसका रेट मिलने के बाद इसके अंदर भी हम एक ही लॉट लेंगे दोस्त। और इसको कर लेंगे कि 150, सॉरी 150 × 50, और यहाँ पर ये हमें 7500 रुपये की इन्वेस्टमेंट आ रही है इन्वेस्टमेंट। और इसने हाई कितने का लगाया, इसने हाई लगाया 210 का, 210 × 50। तो ये इसका हाई लगाने के बाद इसने जो एक अच्छा अपना एक अच्छा टारगेट दिया 210 का, भी हम मानकर चल रहे हैं यहाँ पर 210 का, और इसके अंदर हमारे रिटर्न आया 10500। और 750 की इन्वेस्टमेंट के साथ दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ, पूरे पूरे 3000। और अभी आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर हमें 3000 का प्रॉफिट हुआ, और ये भी इस मूव के साथ, एक यहाँ से यहाँ तक का मूव, एक 650 का हुआ, एक ये 18400 के आसपास का, 300 के आसपास का, 200 के आसपास का। तो दोस्तों आप अगर देख रहे हो कि 18400, 18300, 18200, ये जो ज़्यादा दूर का था, ये आपने अगर नोटिस किया है तो ये स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा दूर का था, और हमें जो है या तो ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों, हमें या तो ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला सेकंड नंबर वाला, और या फिर फर्स्ट नंबर वाले को हम छोड़ देंगे इसको, और ये थर्ड नंबर वाला देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो प्राइस अभी मूव ही कर रहा है ना। हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था कि अभी मान लीजिए प्राइस यहाँ पर है 18200 पर, तो हमने 18200 की कॉल ली,
कल लेने के बाद हमारा ये 3000 रुपये प्रॉफिट बना। अगर हम यहाँ का लेते 300 का तो 350 बनता, अगर हम बिल्कुल दूर चले जाते तो 650 बनता। तो ये है दोस्तों एक कॉल ऑप्शन की कि आप कैसे, किसके अंदर आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो आपको ट्रेड दोस्तों 100 या 200 पॉइंट दूर करनी चाहिए यहाँ से। मान लीजिए आप, अगर आपको ट्रेड करनी भी अभी 18350 के आसपास आया हुआ है, और आपको अगर ट्रेड करनी है तो 18400 पकड़ें, आपको अगर ट्रेड करनी है तो 18400 पकड़ें, 500 पकड़ें और 600। बस दोस्तों यहाँ तक जाइए, ये हो जाएगा नंबर फर्स्ट जो आपने यहाँ पर देखा, और ये हो जाएगा नंबर सेकंड जो आपने यहाँ पर देखा, और ये हो जाएगा नंबर थर्ड जो आपने यहाँ पर देखा। 3000 प्रॉफिट, 2350 और 650। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि आपका ये ऑप्शन चेन का कॉल के अंदर क्या होता है दोस्तों, और आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।